उत्तर प्रदेश के किसानों को यकीन नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज माफी होगी या नहीं, इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि कर्ज माफी यूपी के किसानों को नहीं दी जाएगी। सरकार ऐसे ही चूतिया बना रही है किसानों को, और साथ में ये यूट्यूब चैनल भी बिल्कुल फेक है, इस पर कोई भी प्रकार की कर्ज माफी से संबंधित सच्चाई नहीं है। तो किसान साथियों, आपको बता दें, योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव से समय घोषणाएं की थी कि प्रदेश के जितने भी छोटे और लघुवर्त किसान हैं, जिनका कर्जा 3 लाख रुपए से कम का है, उन सभी किसानों को केसीसी कर्ज माफी दी जाएगी। और साथ में एक मुश्त समाधान योजना के तहत किसानों ने किसी प्रकार का कृषि लोन लिया है, उन सभी किसानों को कर्ज माफी का बड़ा फायदा सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये घोषणा राज्य सरकार की ओर से शुरुआत में की गई थी, लेकिन किसान अभी उस वादे को भूल चुके हैं, क्योंकि किसानों को उस वादे के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर किसान खेती का कार्य करते हैं, वो टीवी चैनल के माध्यम से जानकारी नहीं रखते हैं। तो ऐसे में सरकार की जो कर्ज माफी की जो घोषणा थी, उसमें राज्य सरकार ने यह भी बताया कि यूपी में पहली कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी, तो उस समय सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। अब बात रही किसान साथियों कि यूपी कैबिनेट बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही, क्योंकि सरकार के पास इतना बजट नहीं है, जिसकी वजह से सरकार इस कर्ज माफी का जो फैसला किया था, और राज्य सरकार ने यूपी कैबिनेट का फैसला किया था, उस फैसले को अभी राज्य सरकार पेंडिंग में रख रही है। क्योंकि अगर कर्ज माफी करनी है तो सबसे पहले यूपी कैबिनेट होगी, और यूपी कैबिनेट बुलाएंगे तो सबसे पहले किसानों का ऋण माफ करना चाहिए। तो ये दो मुख्य पॉइंट है जिसकी वजह से राज्य सरकार इतनी लेट कर रही है। और अब बता रही राज्य सरकार की 1 जनवरी के बाद यूपी में कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी, और कैबिनेट बैठक बुलाने का कार्य किया जाएगा तो सबसे पहले किसानों का ऋण माफ किया जाएगा, ये मुख्य मुद्दा रहेगा कैबिनेट में। और कैबिनेट के जितने भी मंत्री होते हैं, उनमें से ज्यादातर किसान कर्ज माफी से संबंधित मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, आप ऐसा कमेंट करना बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से जो वादे किए थे, उस वादे को पूरा करना भी राज्य सरकार का कर्तव्य है, और सरकार जरूर करेगी। क्योंकि पिछली जो सरकारें थी, जैसे कांग्रेस सरकार या अन्य कोई भी पार्टियां सरकार है, वो किसानों के साथ वादे तो कर देती है, लेकिन किसानों को कोई भी प्रकार की सहायता नहीं देती है। लेकिन योगी सरकार यानी मोदी सरकार अगर कोई भी प्रकार का कमिटमेंट करती है, तो उस वादे को पूरा करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। वैसे सरकार के पास कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती है, जिसमें एक अकेला कर्ज माफी नहीं है किसान साथियों, और भी बहुत से मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये कर्ज माफी नहीं हो रही है। और 1 जनवरी का समय कोई ज्यादा का टाइम तो नहीं है, और 1 जनवरी के बाद यूपी में कैबिनेट बैठक बुलाने का कार्य सरकार कर रही है, इस प्रकार की घोषणाएं कर रही है। तो कैबिनेट बैठक होगी तो कर्ज माफी जरूर होगी। तो आपकी जो कमेंट राय है वो सही है वैसे तो, क्योंकि किसानों को इंतजार काफी लंबे समय से है। वैसे तो अब राजस्थान की कर्ज माफी की देखिए, तो राजस्थान सरकार ने 2018 में राहुल गांधी के द्वारा घोषणाएं की थी कि अगले 10 दिनों में राजस्थान के तमाम किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा, और उस कर्ज माफी के दावे को आज 4 साल हो चुके हैं, अब तक प्रदेश में कोई भी किसानों का ऋण माफ नहीं किया गया है। वैसे अगर झारखंड किसानों की कर्ज माफी देखे, तो वास्तव में उस सरकार ने किसानों का ऋण माफ किया है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 6100 करोड़ रुपए की कर्ज माफी 16 लाख किसानों के बैंक खातों में 2-2 लाख रुपए की कर्ज माफी दी है। तो उसके हिसाब से देखिए, तो जिस जैसे ही कोई घोषणा की जाती है, तो उसमें कर्ज माफी अगर या अन्य कोई भी घोषणा की जाती है, तो उस पर सरकार अमल और कर्ज माफी जरूर करती है, लेकिन उसके लिए समय लग सकता है। तो किसान साथियों, आप निश्चिंत रहें, अगर कोई भी प्रकार की कर्ज माफी से संबंधित लेटेस्ट जानकारी आएगी तो आप सभी को इसी चैनल पर आपको दोबारा बताएंगे। लेकिन जो गलत कमेंट कर रहे हैं कि कर्ज माफी नहीं होगी, ये फेक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है किसान साथियों, आपको जरूर मिलेगा, भरोसा रखिए। अगर अगर कर्ज माफी यूपी में नहीं होती तो हम ऐसा वीडियो बनाते ही नहीं, क्योंकि वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि कर्ज माफी के लिए सरकार के पास नए नए जितने भी संसाधन है, उसके माध्यम से सरकार के पास ट्वीट किया जाए, उसके सरकार के पास न्यूज फैलाई जाए, जिससे सरकार को पता चले कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के किसान कर्ज माफी के लेकर काफी उतावले हो रहे हैं, तो इसलिए कर्ज माफी जरूर देनी चाहिए। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।